दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स मूवी को, बट ये नॉर्मल ज़ॉम्बी मूवी नहीं होने वाली। इस मूवी में हमारे मेन कैरेक्टर्स एक ऐसे इलाके में $200 मिलियन चुराने जाते हैं जहां दो तरह के ज़ॉम्बी रहते हैं, और दूसरे तरह के ज़ॉम्बी से बच पाना तो बिल्कुल नामुमकिन है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको जरूर मजा आएगा। तो कहानी शुरू होती है और हम कुछ आर्मी ट्रक को देखते हैं जो काफी ज्यादा सिक्योरिटी के साथ एक कंटेनर को कहीं पर ले जा रहे थे, लेकिन उस कंटेनर के अंदर क्या है ये इन सोल्जर्स को भी पता नहीं होता, और ये लोग बस अंदाजा ही लगाते रहते हैं कि उस कंटेनर के अंदर क्या हो सकता है। यहाँ ये लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी इनका ध्यान भटकता है और कंटेनर वाला ट्रक एक कार से टकरा जाता है, और इस एक्सीडेंट में काफी सारे लोगों को चोट लग जाती है और साथ ही वो कंटेनर भी खुल जाता है। यहाँ ये लोग उस कंटेनर को चेक करने जाने लगते हैं, तभी एक सोल्जर अपने हेडक्वार्टर से बात करता है और उन्हें बताता है कि कंटेनर खुल गया है। ये सुनकर हेडक्वार्टर में बैठी हुई एक लेडी इन सोल्जर से तुरंत ही भाग जाने के लिए बोलती है और कहती है कि तुम्हारी जान को खतरा है। ये सुनकर वो सोल्जर काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने साथियों को तुरंत ही यहाँ से भागने के लिए बोलता है, लेकिन अब तभी एक ज़ॉम्बी उस कंटेनर से बाहर आता है और सारे सोल्जर्स को मारने लगता है। ये देखकर वो सोल्जर अपने दोस्त को लेकर यहाँ से भागता है और काफी दूर तक आ जाता है, लेकिन अब तभी वो ज़ॉम्बी इनका पीछा करते हुए यहाँ पर भी आता है और इन पर हमला करके इन्हें काट लेता है। इसके बाद ये दोनों सोल्जर भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं, और फिर ये तीनों ज़ॉम्बी लास वेगास शहर को देखते हैं और वहाँ पर जाने लगते हैं, और फिर देखते ही देखते पूरे शहर में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स फैलता है और सारे इंसान ज़ॉम्बी बनने लगते हैं। यहाँ पर हम कुछ और लोगों को भी देखते हैं जो कि बहुत बहादुरी से ज़ॉम्बी से लड़ रहे थे और आम इंसानों की जान बचा रहे थे। इस तरह कई सारे आम इंसान लास वेगास शहर से भी बाहर निकल जाते हैं। यहीं पर हम स्कॉट नाम के एक आदमी को भी देखते हैं, और वो भी सरकार की मदद कर रहा था और लास वेगास शहर से आम लोगों को बाहर निकाल रहा था, और साथ ही सरकार इस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को दूसरे शहरों में फैलने से रोकने के लिए बड़े बड़े कंटेनर्स से लास वेगास शहर के चारों तरफ एक दीवार बना देती है और सारे ज़ॉम्बीज इस दीवार के अंदर इसी शहर में कैद हो जाते हैं। अब काफी समय बीत जाता है और सरकार लास वेगास शहर पर बम गिराने का प्लान बनाने लगती है ताकि सारे ज़ॉम्बीज को वो एक ही बार में खत्म कर सकें। यहीं पर हम स्कॉट को भी देखते हैं जो कि लास वेगास शहर से बाहर आकर एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। तभी उसके पास एक अमीर आदमी आता है जिसका नाम तनाका होता है। यहाँ तनाका स्कॉट को बताता है कि लास वेगास शहर में मेरे $200 मिलियन रखे हुए हैं जो कि अब 3 दिन बाद परमाणु बम गिरने से खत्म हो जाएंगे। साथ ही तनाका स्कॉट से कहता है कि अगर तुम वो पैसे बाहर ले आओ तो मैं तुम्हें $50 मिलियन दूंगा जिससे तुम एक अच्छी जिंदगी जी पाओगे। यहाँ तनाका स्कॉट को उन पैसों तक जाने का ब्लूप्रिंट भी देता है और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद स्कॉट उन नक्शों को देखता है और लास वेगास शहर में पैसों के लिए जाने के बारे में सोचता है। वहीं दूसरी तरफ लास वेगास शहर के बाहर हम एक क्वारंटाइन एरिया को देखते हैं जहां पर बेघर लोग रह रहे थे। यहां हम केट नाम की एक लड़की को भी देखते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि स्कॉट की बेटी होती है, लेकिन केट किसी वजह से स्कॉट से काफी नफरत करती है और वो उसके साथ नहीं रहती। यहीं अब केट के पास उसकी दोस्त गीता आती है और वो लिली नाम की एक लड़की को देखने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि लिली लोगों को छुपके से लास वेगास शहर में भेजने का काम करती है, क्योंकि लास वेगास शहर में अभी भी शॉप पर और घरों में पैसे पड़े हुए हैं और लोग अभी भी अपनी जान को खतरे में डालकर ज़ॉम्बीज के इलाके में पैसे चुराने जाते हैं। यहाँ गीता केट से बोलती है कि मैं भी लास वेगास शहर में जाऊंगी और थोड़े से पैसे चुरा कर बाहर आ जाऊंगी ताकि मैं अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ दे सकूं। लेकिन केट गीता को ऐसा करने से मना करती है और उसे समझाती है कि वहाँ पर काफी खतरा है और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा। यहीं अब तभी एक गार्ड यहाँ पर आता है और वो केट से काफी बदतमीजी से बात करने लगता है और उसे छेड़ने की कोशिश भी करता है। साथ ही वो इन दोनों को चेक भी करता है कि ये दोनों इन्फेक्टेड हैं या फिर नहीं, और अगर इन दोनों के अंदर जरा भी सिम्टम्स होते तो वो गार्ड इनका फायदा उठाता। खैर ये दोनों इन्फेक्टेड नहीं निकलती, इसीलिए वो यहाँ से चला जाता है। यहाँ अब केट दोबारा से गीता को समझाती है और लास वेगास शहर में जाने से मना करती है, और इस पर गीता भी अब केट से बोलती है कि ठीक है मैं लास वेगास शहर में नहीं जाऊंगी। यही हमें कुछ समय पहले का भी एक सीन दिखाया जाता है जहां स्कॉट की वाइफ भी जब ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो गई थी और एक ज़ॉम्बी बन गई थी, तो ये देखकर स्कॉट को ना चाहते हुए भी अपनी वाइफ को मारना पड़ा था, और स्कॉट को ऐसा करते हुए केट ने भी देख लिया था और उसे ऐसा लगा था कि स्कॉट यानी उसके डैड ने उसकी मॉम की जान जानबूझ कर ली है, इसीलिए शायद वो प्रेजेंट टाइम में स्कॉट से नफरत करती है। खैर यहाँ पर अब स्कॉट की आँख खुलती है और उसे रोजाना की तरह आज भी वही डरावना सपना आया होता है जिसे वो अपनी लाइफ से भुलाने की पूरी कोशिश कर रहा है। यहाँ अब स्कॉट अमीर बनकर अपनी बेटी केट को खुश रखने के बारे में सोचता है और इसीलिए वो इस पैसे चुराने के मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर ये सब जानने के बाद तनाका स्कॉट से एक टीम बनाने के लिए बोलता है और कहता है कि तुम्हें अपनी टीम में
एक ऐसा आदमी चाहिए होगा जो कि किसी भी लॉक को खोल सके, और एक पायलट को भी शामिल करना होगा क्योंकि बिना हेलीकॉप्टर के तुम वहां से नहीं निकल पाओगे। फिर ये सब जानने के बाद स्कॉट टीम बनाने लगता है, और स्कॉट सबसे पहले अपनी एक पुरानी दोस्त मीरा नाम की एक लेडी के पास आता है, और यहाँ वो मीरा को सारा प्लान समझाता है और पैसे देने का भी वादा करता है। लेकिन मीरा को ये काम काफी खतरनाक लगता है, मगर वो स्कॉट की वजह से ही इस मिशन पर चलने के लिए मान जाती है। इसके बाद स्कॉट और मीरा अपने तीसरे साथी वेंडरो के पास आते हैं, और वेंडरो भी इस मिशन पर जाने के लिए मान जाता है। फिर इसके बाद स्कॉट पैसों का लालच देकर एक पायलट को भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। इसके बाद मीरा स्कॉट को माइकी नाम के एक आदमी से मिलवाती है जो कि ज़ॉम्बीज को मारने में एक्सपर्ट होता है, और ये लोग माइकी को भी अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। और अब इन्हें बस एक ऐसा आदमी चाहिए था जो कि किसी भी लॉक को खोल सके, और इन्हें एक ऐसा लड़का मिल भी जाता है, उसका नाम डीटर होता है, और ये लोग उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। यहाँ अब सारी तैयारी करने के बाद स्कॉट अपनी पूरी टीम को लेकर टनाका के पास आता है, और यहाँ अब टनाका इन लोगों को बताता है कि तुम्हें लास वेगास शहर में एक बिल्डिंग के अंदर जाना होगा जहाँ पर तुम्हें तिजोरी मिल जाएगी, और तिजोरी के अंदर ही वो पैसे रखे हुए हैं। उन पैसों को लेने के बाद तुम्हें बिल्डिंग की छत पर आना होगा, वहाँ पर तुम्हें एक प्लेन मिलेगा जो कि काफी समय पहले से ही वहाँ पर खड़ा हुआ है, और उस प्लेन की मदद से तुम लास वेगास शहर से बाहर आ जाओगे। ये सब जानने के बाद ये सभी लोग ज़ॉम्बीज को मारने के लिए भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, और उसके बारे में ही सोचने लगते हैं। यहाँ अब टनाका इन्हें पूरा प्लान समझा देता है, और इन्हें ये भी बता देता है कि तिजोरी के पास काफी सारे खतरे हैं जिन्हें पार करके ही तुम तिजोरी को खोल पाओगे। और ये सब जानने के बाद माइकी का एक दोस्त मिशन पर जाने से डर जाता है, और वो वापस चला जाता है। लेकिन माइकी की दूसरी दोस्त नहीं डरती, और वो इन लोगों के साथ जाने के लिए मान जाती है। यही टनाका भी अपने एक आदमी मार्टिन को इन लोगों के साथ मिशन पर भेजता है ताकि मार्टिन इनकी मदद कर सके। अब इसके बाद स्कॉट अपनी बेटी केट से मिलता है, और उसे मिशन पर जाने वाली सारी बात समझाता है, और कहता है कि अगर तुम आज मेरी इस काम में मदद कर दो, यानी कि अगर तुम मुझे लिली से मिलवा दो जो कि हमें अंदर भेज सकती है, तो मैं तुम्हें वापस आकर काफी सारे पैसे दूंगा जिससे तुम गरीब लोगों की मदद कर पाओगी। ये सब सुनकर केट स्कॉट की मदद करने के लिए उसे लिली की मदद से क्वारंटाइन रास्ते से लास वेगास शहर में भेजने के लिए मान जाती है। यही रात के समय गीता केट को कुछ भी बताए बिना ही अपने कुछ दोस्तों के साथ लिली के पास आती है, और उसकी मदद लेकर लास वेगास में चली जाती है। इसके बाद अगले दिन केट सभी लोगों को चुपके से एक बस में बिठाकर क्वारंटाइन जोन में ले जाने लगती है, और इसी दौरान मार्टिन माइकी के एक दोस्त को छेड़ता है, लेकिन माइकी की दोस्तों मार्टिन की ही उल्टी बेइज्जती कर देती है। इसके बाद अब केट सभी लोगों को लेकर लिली के पास आ जाती है, और उन्हें लास वेगास भेजने के लिए कहती है। तभी केट गीता के बच्चों को रोता हुआ देखती है, और उसे ये बात पता चल जाती है कि गीता लिली की मदद से शहर में अंदर चली गई है, और ये बात जानकर केट को काफी गुस्सा आता है, और केट गीता को भेजने के लिए लिली को मारने लगती है, और उसे बोलती है कि तुमने गीता के बच्चों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं की और उसे अंदर भेज दिया, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। यहाँ गीता के बच्चों के बारे में सुनकर लिली को काफी बुरा लगता है, क्योंकि लिली को ये बात नहीं पता थी कि गीता के बच्चे भी हैं। और ये बात जानकर केट लिली से पूछती है कि क्या गीता अभी भी वहाँ पर जिंदा होगी। इस पर लिली केट से कहती है कि मुझे इस बारे में तो कुछ भी नहीं पता। ये बात सुनकर अब केट भी स्कॉट के साथ अंदर चलने के लिए बोलने लगती है, लेकिन स्कॉट अपनी बेटी को अपने साथ चलने से मना करता है क्योंकि अंदर खतरा था। लेकिन केट कहती है कि अगर आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाओगे तो आपके जाने के बाद मैं अकेले ही अंदर आ जाऊंगी। ये सुनकर स्कॉट केट को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है, लेकिन वो केट को अपने साथ ही रहने के लिए बोलता है। यहाँ ये सभी लोग अंदर शहर में जाने ही वाले थे कि तभी लिली को वही गार्ड दिखाई देता है जो कि हर एक लड़की पर लाइन मारता रहता है और किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करता। यहाँ अब लिली उस गार्ड को भी अपने साथ अंदर जाने के लिए बोलती है, और वो गार्ड भी पैसों के लालच में आकर इनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद लिली एक कंटेनर को खोलती है और इन सभी को शहर में ले आती है। यहाँ आते ही इन सभी लोगों को काफी सारे मरे हुए ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं जो कि धूप की रोशनी में ज्यादा रहने की वजह से मर गए थे। अब यहाँ ये सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी इनके सामने एक टाइगर आता है और वो भी ज़ॉम्बी बन चुका था। उसे देखकर सभी लोग छुप जाते हैं। फिर सब लोग लिली से आगे बढ़ने का कोई दूसरा रास्ता पूछते हैं, और ये सुनकर अब लिली उसी गार्ड के पैर पर एक गोली मारती है, और ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और लिली से कहते हैं कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तभी लिली इन सभी को बताती है कि ये जगह नॉर्मल नहीं है और यहाँ पर दो तरह के ज़ॉम्बीज रहते हैं। एक तरह के ज़ॉम्बीज जिन्हें तुम जानते हो, लेकिन दूसरे तरह के ज़ॉम्बीज बहुत खतरनाक हैं। उन्होंने इस जगह को अपना साम्राज्य बना लिया है और हमें आगे बढ़ने के लिए उनसे किसी एक की जान का सौदा करना होगा, और यही उन ज़ॉम्बीज का रूल है। इसके बाद लिली उस गार्ड को बांधकर उन दूसरे ज़ॉम्बीज के आगे डाल देती है, और तभी यहाँ पर उन ज़ॉम्बीज की रानी आती है, और उस रानी को देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। यहाँ वो रानी अपने गार्ड के साथ आई होती है, और वो रानी इन लोगों से कुछ भी नहीं बोलती
और उस गार्ड को अपने साथ ले जाती है। फिर लिली सबको बताती है कि अब ये सारे ज़ॉम्बीज उस गार्ड को भी अपनी ही तरह बना देंगे और ये लोग हमें आगे बढ़ने से नहीं रोकेंगे। ये बात सुनकर केट को ऐसा लगता है कि गीता को भी ये ज़ॉम्बीज अपने साथ ही ले गए होंगे। केट स्कॉट से इनका पीछा करने के लिए बोलती है, लेकिन स्कॉट ऐसा करने से मना कर देता है और केट को अपने साथ रहने के लिए बोलता है। फिर ये सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। इस तरफ ज़ॉम्बीज उस गार्ड को अपने साथ अपने राजा के पास लेकर आते हैं और इनका राजा वही ज़ॉम्बी होता है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। और अब वो किंग ज़ॉम्बी अपनी क्वीन के पास आता है और उसके पेट से कुछ सुनने लगता है और हमें पता चलता है कि ये क्वीन ज़ॉम्बी दरअसल प्रेग्नेंट है और वो जल्दी ही एक ज़ॉम्बी के बच्चे को जन्म देने वाली है। यहाँ अब किंग ज़ॉम्बी उस गार्ड के भी काट लेता है और वो गार्ड भी इन्फेक्टेड होने लगता है। इस तरफ ये सभी लोग बिल्डिंग से होते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी इनके सामने काफी सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, लेकिन वो सभी सो रहे थे और इस चीज का फायदा उठाते हुए ये सभी लोग ज़ॉम्बी से बचते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी माइकी की दोस्त मार्टिन को आगे बढ़ने के लिए बोलती है और कहती है कि मुझे तेरी हरकतों पर शक हो रहा है, पता नहीं टनाका ने तुझे यहाँ पर किस प्लान से भेजा है और कसिनो में पहुंचकर मैं तुझसे यही सवाल दोबारा पूछूंगी। यहाँ ये बात सुनकर मार्टिन समझ जाता है कि अगर उसने सभी लोगों के सामने ये सवाल उससे किया तो सभी लोग उस पर शक करने लगेंगे। यही स्कॉट सबसे पहले आगे बढ़ रहा था और वो रास्ते पर ग्रीन लाइट फेंक रहा था जिसको फॉलो करते हुए दूसरे लोग भी आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अब जैसे ही मार्टिन आगे बढ़ता है तो वो एक लाइट को दूसरे रास्ते पर फेंक देता है और माइकी की वो दोस्त उसी लाइट को फॉलो करते हुए गलत रास्ते पर चली जाती है और सोए हुए ज़ॉम्बीज के बीच में अटक जाती है। तभी एक ज़ॉम्बी उठकर उस पर हमला करने लगता है। यहाँ माइकी की दोस्त किसी तरह से नींद से जागे उस ज़ॉम्बी को मार देती है, लेकिन अब तभी यहाँ पर रखा हुआ कुछ सामान गिरता है और उसकी आवाज़ सुनकर सारे ज़ॉम्बीज जाग जाते हैं और माइकी की दोस्त पर हमला करने लगते हैं। यहाँ माइकी की दोस्त किसी तरह से उन ज़ॉम्बीज को मारती है और सभी लोगों के पास आने लगती है, लेकिन तभी मार्टिन डोर को लॉक कर देता है और उसे ज़ॉम्बीज के बीच में ही बंद कर देता है। मगर माइकी की दोस्त हार नहीं मानती, वो किसी तरह से खिड़की को तोड़कर माइकी के पास आ जाती है, लेकिन काफी सारे ज़ॉम्बीज भी उस पर हमला करते हैं और ज़ॉम्बीज उसे काट लेते हैं। ये देखकर अब मजबूरन माइकी को अपनी दोस्त को मारना पड़ता है और यहाँ माइकी अपनी दोस्त के पीठ पर बंधे हुए ऑयल कैन पर एक गोली मारता है जिससे माइकी की दोस्त काफी सारे ज़ॉम्बीज के साथ जल जाती है। इससे माइकी को भी काफी दुख होता है। अब इसके बाद ये सभी लोग उसी बिल्डिंग में आ जाते हैं जहाँ पर पैसे रखे हुए हैं। यहाँ अब पूरी जगह को अच्छे से देखने के बाद केट को ऐसा लगता है कि जरूर गीता मर चुकी होगी, लेकिन लिली केट से कहती है कि हिम्मत मत हारो, हो सकता है कि गीता अभी भी जिंदा हो, क्योंकि कुछ समय पहले एक आदमी भी काफी दिनों बाद यहाँ से बाहर निकला था और उसने मुझे बताया था कि ज़ॉम्बीज का किंग एक एक करके ही लोगों को मारता है और वो आदमी अपना नंबर आने से पहले ही वहाँ से भाग निकला। ये सारी बातें सुनने के बाद केट को गीता के जिंदा होने की एक उम्मीद मिलती है। यहीं इन लोगों को बिल्डिंग में कुछ और नक्शे भी दिखाई देते हैं और ये देखकर स्कॉट को लगता है कि जरूर टनाका ने पहले भी कई लोगों को पैसे लेने के लिए यहाँ पर भेजा था, लेकिन वो सभी लोग मर गए। यहाँ अब स्कॉट सभी को अपने अपने काम पर लग जाने के लिए बोलता है और सबसे जल्द से जल्द काम खत्म करने के लिए बोलता है। यहीं अब पायलट भी बिल्डिंग की छत पर आकर यहाँ पर रखे हुए हेलीकॉप्टर को देखती है और उसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब होती है, इसीलिए पायलट उसे ठीक करने लगती है। यहीं लिली और मार्टिन बिल्डिंग के बाहर ज़ॉम्बीज पर नजर रखने लगते हैं। इस तरफ स्कॉट अब काफी समय बाद अपनी बेटी केट से बात करता है और उसे समझाता है कि मुझे तुम्हारी माँ को मारना पड़ा क्योंकि वो ज़ॉम्बी बन गई थी। यहाँ केट स्कॉट से कहती है कि मैं माँ के मरने की वजह से आपसे नाराज नहीं थी, बल्कि आपने मुझसे उस घटना के बाद काफी समय तक बात नहीं की और इसी वजह से मैं आपसे नाराज हूँ। ये बात सुनकर स्कॉट को काफी दुख होता है। वो केट से बोलता है कि अब इस मिशन को करने के बाद हमारे पास काफी ज्यादा पैसे आ जाएंगे और हम दोनों एक साथ खुशी से एक साथ रह सकते हैं। इतना बोलकर अब स्कॉट जनरेटर को ऑन करता है जिससे कैसीनो और पूरी बिल्डिंग की लाइट्स ऑन हो जाती हैं। फिर वेंडेरो डीटर को लेकर तिजोरी के पास जाता है जहां पर इन्हें उन लोगों की डेड बॉडीज दिखाई देती हैं जो कि पहले पैसे चुराने आए थे। वहीं दूसरी तरफ मार्टिन अब उन्हीं ज़ॉम्बीज की क्वीन को यहां पर बुला लेता है ताकि वो ज़ॉम्बीज की क्वीन का ब्लड सैंपल ले सके और इस काम में वो लिली की मदद भी लेता है। और अब जैसे ही क्वीन और उसका साथी यहां पर आते हैं तो ये लोग उन पर हमला करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ डीटर अब तिजोरी के रास्ते में आने वाले एक प्रेशर टिगर को देख लेता है और इन लोगों को बताता है कि ये प्रेशर टिगर एक ही बार काम करते हैं, इसीलिए अगर हम लोग किसी तरह से इनसे बच जाएं तो हम तिजोरी के पास जा सकते हैं। ये सुनकर अब ये लोग इनसे बचने का तरीका सोचने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम गीता को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा होती है और यहाँ ज़ॉम्बी किंग ने गीता के साथ कुछ और लड़कियों को भी कैद कर रखा था और अब ज़ॉम्बी किंग उन लड़कियों में से एक लड़की को अपने साथ ले जाता है। इस तरफ मार्टिन उन्हीं ज़ॉम्बीज की क्वीन को पकड़ लेता है और तभी क्वीन का एक साथी इन लोगों पर हमला करने लगता है, लेकिन लिली उसे मार देती है। इसके बाद मार्टिन क्वीन के सर को ही काट देता है
और ये देखकर तो लिली भी हैरान रह जाती है क्योंकि उसे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। यह अब मार्टिन लिली को बताता है कि मुझे टनाका ने इसी प्लान से यहाँ पर भेजा था क्योंकि मुझे क्वीन का कटा हुआ शरीर लाने के लिए कहा गया था। ये बोलकर मार्टिन क्वीन के कटे हुए सर को एक बैग में रख लेता है। वहीं दूसरी तरफ वेंडेरो भी अपना दिमाग चलाता है और वो एक जोम्बी को तिजोरी के पास मीट डालकर लालच देकर वहाँ पर भेजता है, जिसके बाद वो जोम्बी आगे बढ़ने लगता है और फिर एक एक करके सारे ट्रिगर दबते रहते हैं और इनका रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाता है और ये सभी लोग तिजोरी के पास आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्कॉट और बाकी सभी लोग न्यूज देख रहे थे और तभी इन्हें पता चलता है कि सरकार ने लास वेगास पर बॉम्ब गिराने का टाइम बदल दिया है और वो लोग बॉम्ब अब बस कुछ ही घंटों में गिराने वाले हैं। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इस तरफ पायलट हेलीकॉप्टर को ठीक कर रही थी लेकिन तभी हेलीकॉप्टर में आग लग जाती है, मगर पायलट किसी तरह से उस आग को बुझा देती है। तभी स्कॉट उसे भी बॉम्ब गिरने वाली बात बताता है और ये सुनकर वो पायलट काफी तेजी से हेलीकॉप्टर को ठीक करने लगती है। वहीं डीटर भी स्कॉट से तिजोरी खोलने के लिए 30 मिनट और मांगता है और तब तक सभी लोगों को शांत रहने के लिए बोलता है। फिर डीटर तिजोरी को खोलने लगता है। वहीं बाहर किंग जोम्बी क्वीन की बॉडी के पास आता है और क्वीन के मरने की वजह से उसे काफी गुस्सा आता है। यहीं ये सभी लोग बिल्डिंग में बने हुए कसिनो के पास जाते हैं और कसिनो के अंदर से सारे पैसों को इकट्ठा करने लगते हैं जो कि काफी ज्यादा हो जाते हैं। यहाँ लिली कुछ पैसों को स्कॉट को अपने पास रखने के लिए दे देती है और फिर ये सभी लोग और ज्यादा पैसे इकट्ठा करने के लिए तिजोरी का खुलने का बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं। तभी डीटर तिजोरी को खोल देता है और ये सभी लोग खुश होकर तिजोरी को ही देखने लगते हैं। तभी लिली मौके का फायदा उठाकर मार्टिन के उसी बैग को अपने बैग से बदल लेती है जिसमें क्वीन का सर रखा हुआ था। फिर ये सभी लोग तिजोरी को खोलते हैं जिसके अंदर काफी ज्यादा पैसे थे और ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। ये सभी लोग जल्दी जल्दी पैसों को इकट्ठा करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ किंग जोम्बी क्वीन की बॉडी को लेकर बाकी सभी के पास आता है और किंग जोम्बी क्वीन के पेट में से अपने बच्चे को बाहर निकालता है जो कि अब मर चुका था और ये देखकर किंग जोम्बी और बाकी सारे जोम्बीज को गुस्सा आने लगता है और वो लोग चीखने लगते हैं। इस तरफ बिल्डिंग में मारिया अब स्कॉट को बताती है कि मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं आई हूँ बल्कि मैं तो यहाँ तुम्हारे लिए आई थी। यहाँ मारिया की बातों से हमें पता चल जाता है कि वो स्कॉट से प्यार करती है और यहाँ स्कॉट भी ये बात समझ जाता है। लेकिन तभी स्कॉट को अपनी बेटी केट याद आती है और वो देखता है कि केट कहीं भी आसपास नहीं दिख रही। वो केट को ढूंढने लगता है लेकिन उसे केट यहाँ कहीं भी नहीं मिलती। वहीं किंग जोम्बी अपनी पूरी जोम्बी की सेना के साथ इन पर हमला करने आने लगता है और केट भी किसी तरह से उन जोम्बी से छुपती हुई गीता को बचाने के लिए जोम्बी के इलाके में जा रही थी। इस तरफ स्कॉट अब केट को ढूंढने के लिए उसके पास आने लगता है लेकिन जैसे ही वो लिफ्ट को खोलता है तो तभी काफी सारे जोम्बीज इन पर हमला करने लगते हैं और एक जोम्बी मारिया की गर्दन को तोड़कर उसे मार देता है। ये देखकर स्कॉट को काफी गुस्सा आता है और स्कॉट इन जोम्बीज को बुरी तरह से मारने लगता है। साथ ही स्कॉट को मारिया को मरा हुआ देखकर काफी दुख भी होता है। तभी लिली और बाकी सभी लोग उसे लेकर यहाँ से भागने लगते हैं लेकिन तभी मार्टिन फिर से इन्हें धोखा देता है और वो बाहर जाने के दूसरे रास्ते को बंद कर देता है और लिली से कहता है कि मुझे और टनाका को पैसों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी बल्कि मैं तो यहाँ पर क्वीन के कटे हुए सर को लेने ही आया था क्योंकि हम इसकी मदद से उन सारे जोम्बीज को काबू कर सकते हैं। इतना बोलकर मार्टिन यहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ वेंडेरो और डीटर पर भी अब काफी सारे जोम्बीज हमला करते हैं और ये दोनों उन्हें मारते हुए तिजोरी में छुपने जाने लगते हैं। लेकिन तभी किंग जोम्बी यहाँ पर आ जाता है और वो वेंडेरो को काफी बुरा पीटने लगता है। यहाँ किंग जोम्बी वेंडेरो को जान से मारने वाला था लेकिन तभी डीटर किंग पर हमला करता है और वेंडेरो को किसी तरह से तिजोरी में भेजता है और तिजोरी को बंद कर देता है, मगर इस सब में डीटर बाहर ही रह जाता है और किंग डीटर को मार देता है। वहीं लिली भी किसी तरह से एक दीवार को तोड़ती है और ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं। इस तरफ मार्टिन बाहर आने के बाद एक बार फिर से बैग में क्वीन के सर को चेक करता है लेकिन उसे इसमें क्वीन का सर नहीं मिलता बल्कि इसमें तो पैसे काउंट करने वाली मशीन रखी हुई थी और ये देखकर मार्टिन हैरान ही रह जाता है। और तभी जोम्बी टाइगर मार्टिन पर हमला करता है और उसे मार देता है। इस तरफ स्कॉट माइकी और लिली ये तीनों कसिनो के रास्ते से होते हुए बिल्डिंग की छत पर जाने लगते हैं लेकिन तभी काफी सारे जोम्बीज इन पर हमला करने आते हैं, मगर यहाँ स्कॉट और बाकी दोनों उन जोम्बीज से फाइट करते करते ही आगे बढ़ते हैं, मगर अब कुछ जोम्बीज माइकी को भी काट लेते हैं और उसे इन्फेक्टेड कर देते हैं। और ये देखकर अब माइकी अपने पास मौजूद सारे बॉम्ब्स को ब्लास्ट करता है और अपने साथ कई सारे जोम्बीज को भी लेकर मर जाता है। वहीं दूसरी तरफ केट भी गीता को ढूंढ रही होती है लेकिन गीता उसे कहीं भी नहीं मिलती और तभी वही गार्ड जो कि अब जोम्बी बन चुका था वो केट को देख लेता है और वो केट को मारने आने लगता है। इस तरफ स्कॉट और लिली दोनों हेलीकॉप्टर के पास आ जाते हैं लेकिन यहाँ पर पायलट से अभी वो हेलीकॉप्टर स्टार्ट नहीं होता और तभी यहाँ पर किंग जोम्बी भी इनके ऊपर हमला करने आने लगता है। ये देखकर लिली क्वीन का कटा हुआ सर बाहर निकालती है
और वो अभी भी जिंदा था। और लिली क्वीन के कटे हुए सर पर गन पॉइंट कर लेती है और स्कॉट को बताती है कि मार्टिन ने ही क्वीन का सर काटा था और उसने मुझसे ये वादा किया था कि अगर मैं उसका साथ दूं तो वो कैंप में मौजूद सभी गरीब लोगों को आजाद कर देगा, इसी वजह से मैंने उसका साथ दिया। यह अब ये सब कुछ बताने के बाद लिली स्कॉट से भाग जाने के लिए बोलती है और स्कॉट को हेलीकॉप्टर में भेज देती है, मगर तभी किंग ज़ॉम्बी लिली के एक रोड मारता है और उसे दीवार में टांग देता है, लेकिन लिली भी क्वीन के सर को बिल्डिंग की छत से ही नीचे फेंक देती है जिससे क्वीन का सर जमीन से टकराता है और खत्म हो जाता है। इस तरफ स्कॉट पायलट के साथ अब प्लेन से उड़कर यहाँ से जाने लगता है और उसे बिल्डिंग में होने वाली हर एक चीज के बारे में बता देता है। यहाँ स्कॉट पायलट से कैट को बचाने चलने के लिए बोलता है। इसके बाद पायलट हेलीकॉप्टर को उसी बिल्डिंग की छत पर लैंड कराती है जहाँ पर कैट गई हुई थी। यही बिल्डिंग के अंदर अब कैट गीता को ढूंढ लेती है और यहाँ स्कॉट भी कैट को लेने आने लगता है और पायलट को धोखा देकर यहाँ से भाग जाने से मना करता है। यही कैट गीता और एक दूसरी लड़की को लेकर बाहर निकल रही होती है, लेकिन तभी वही ज़ॉम्बी बना हुआ गार्ड इन पर हमला करता है और एक लड़की के काट लेता है। तभी कैट उस पर गोली चलाती है और गोलियों की आवाज स्कॉट को भी सुनाई देती है और वो कैट के पास आने लगता है। यही किंग ज़ॉम्बी भी कैट और गीता को देखता है और इनका पीछा करने लगता है। तभी कैट और गीता यहाँ से भागती है, लेकिन अब वो किंग ज़ॉम्बी इन पर हमला करने आने लगता है, लेकिन तभी स्कॉट यहाँ पर आ जाता है और इन्हें बचा लेता है। इसके बाद ये तीनों बिल्डिंग की छत पर आते हैं और ये सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं, मगर तभी वही ज़ॉम्बी किंग भी इनके हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है और अब स्कॉट और किंग ज़ॉम्बी दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। तभी इन दोनों की लड़ाई में स्कॉट गोली चलाता है जो कि पायलट के लग जाती है जिससे पायलट का बैलेंस बिगड़ने लगता है, मगर वो पायलट हार नहीं मानती और किसी तरह से हेलीकॉप्टर को लास वेगास शहर से बाहर ले जाती है। यहीं वो किंग ज़ॉम्बी स्कॉट का हाथ तोड़ देता है जिससे स्कॉट के हाथ से गन छूट जाती है और अब तभी ज़ॉम्बी किंग स्कॉट के कार्ड भी लेता है। साथ ही यहाँ पर लास वेगास शहर में अब बम भी गिरा दिया जाता है और देखते ही देखते पूरा शहर तबाह हो जाता है। यहीं स्कॉट भी मौके का फायदा उठाकर गन उठाता है और किंग ज़ॉम्बी को शूट करके उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। तभी इनका प्लान भी जमीन से टकराकर क्रैश हो जाता है और इसके अंदर पायलट और गीता मर जाती है, मगर केट और स्कॉट बच जाते हैं। यहाँ केट अब स्कॉट के पास आती है, मगर स्कॉट अब इन्फेक्टेड हो चुका था और इसी वजह से स्कॉट केट को खुद को मार देने के लिए बोलता है और स्कॉट अपनी बेटी केट को वो पैसे भी देता है जो कि उसने कसिनो से इकट्ठा किए थे। यहाँ स्कॉट केट से कहता है कि तुम इन पैसों से गीता के बच्चों की मदद कर सकती हो। यहीं स्कॉट को मरता हुआ देखकर अब केट को काफी बुरा लगता है और केट रोने लगती है। तभी यहाँ पर स्कॉट पर इन्फेक्शन का असर होने लगता है और स्कॉट भी ज़ॉम्बी बनने वाला होता है और ये देखकर अब केट को मजबूरन अपने डैड को मारना पड़ता है और ऐसा करके केट पूरी तरह से टूट जाती है और रोने लगती है। तभी यहाँ पर एक रेस्क्यू टीम भी आती है जो कि केट को यहाँ पर बचाने आई थी। वहीं दूसरी तरफ हम वेंडर को देखते हैं जो कि अब तिजोरी के अंदर से बाहर निकलता है और तिजोरी के अंदर होने की वजह से बॉम्ब ब्लास्ट का उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ होता। यहाँ अब वेंडरो पैसों से भरे हुए बैग्स को लेकर यहाँ से बाहर निकलता है और वेंडरो एक एयरपोर्ट पर आता है और काफी सारे पैसे देकर अपने लिए एक प्लेन को खरीद लेता है और प्लेन में बैठकर कहीं पर जाने लगता है, लेकिन इसी दौरान वेंडरो की तबीयत खराब होने लगती है। वेंडरो वॉशरूम में जाता है और तभी उसे अपना हाथ दिखाई देता है जिस पर उस किंग ज़ॉम्बी ने काट लिया था, यानी कि अब वेंडरो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा और शायद वो किंग ज़ॉम्बी की जगह लेगा जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था और शायद इस तरह ज़ॉम्बी एपोकलिप्स दोबारा से फैलने लगेगा। खैर यहाँ पर वेंडरो ये सब देखकर हैरान रह जाता है और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो दोस्तों ये थी इस मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।